हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का सेक्शन सी ORM 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली। तो टोलुइन है आपके पास, बेंजीन से CH3 यदि अटैच रहेगा तो उसको टोलुइन बोलेंगे। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो Cl2 और FeCl3, ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि FeCl3 लेविस एसिड होता है, तो ये Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो Cl प्लस बच जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले ये CH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस आई लगाएगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन मतलब टोलुइन है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, प्लस पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन ऑप्शन डी होगा। अब इसमें ये सब जो आपका है बेंजोइल क्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन से सी डबल बॉन्ड ओ सीएल बेंजोइल क्लोराइड होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगा? कहीं पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन हवा से थोड़ी आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। मेटा क्लोरोटोलुइन मतलब बोल रहा है मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, तो CH3 जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा वाला मेजर प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, प्रीडोमिनेंटली पूछ रहा है मतलब मेजर प्रोडक्ट बेंजाइल क्लोराइड। ये एक्चुअली में गलत करवाने के लिए दिया हुआ है कि बच्चा कंफ्यूज करे CH2Cl। तो यहाँ CH2Cl कब लगेगा, मतलब अल्केन में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, उसके लिए रेडिकल का बनना जरूरी है। तो रेडिकल बनने के लिए Cl2 अब्लिक सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अगर अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं है तो Cl रेडिकल ही नहीं बनेगा, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? अगर FeCl3 नहीं रहता और आपके पास मान लीजिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहता, तब आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाता। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर FeCl3 के जगह सनलाइट रहता तो रेडिकल बन जाता, तो उस केस में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता, मतलब अल्केन से हाइड्रोजन हटता और Cl लग जाता। तो इस केस में सी नहीं होगा, लेकिन सनलाइट रहता तो सी ऑप्शन होता। नेक्स्ट, द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। तो C2H5Cl बनाना है, तो आप पहले ऑप्शन देखिए। तो फिर से अल्केन में हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का होना जरूरी है, तो डार्क रूम टेम्परेचर पे। डार्क में तो नहीं होगा, क्योंकि डार्क में क्लोरीन जो है Cl2 से क्लोरीन रेडिकल नहीं बन पाएगा, तो अल्ट्रावायलेट लाइट का तो होना जरूरी है। इसके बाद एक केस में अल्केन एक्सेस में है, इसमें Cl2 एक्सेस में है, और यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो मोनोक्लोरीनेशन से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पहले एक क्लोरीन अटैच होगा, उसके बाद बहुत सारा क्लोरीन है तो फिर से दूसरा हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग जाएगा, तो डाई क्लोरीनेशन, फिर ट्राई क्लोरीनेशन, टेट्रा क्लोरीनेशन, इस तरह से हो सकता है 6 हाइड्रोजन हट जाए और 6 क्लोरीन लग जाए एक्सेस में है तो। लेकिन यदि एक्सेस में अल्केन रहेगा, क्लोरीन कम मात्रा में है, तो एक क्लोरीन ही लगेगा, मतलब एक हाइड्रोजन हटा क्लोरीन लगा, फिर दूसरा क्लोरीन जब लगेगा कहेगा मेरा बहुत सारा भाई है जो कि अभी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, तो दूसरे प्रोडक्ट में फिर से क्लोरीन लगेगा। तो इस तरह से ये सप्रेस कर देता है डाइक्लोरीनेशन या ट्राइक्लोरीनेशन को, अगर एक्सेस में अल्केन रहा तो। लेकिन इस केस में एक्सेस में क्लोरीन है तो जबरदस्ती कहेगा हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन करना है हमको, तुम हाइड्रोजन हटाओ, तो एक के बाद दूसरा क्लोरीन भी लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा। तो रिएक्शन कंडीशन बेस्ट यील्ड तो आपका यही है कि ए ऑप्शन, इस केस में C2H5Cl बनेगा। इस केस में मोनोक्लोरीनेशन से डाइक्लोरीनेशन ट्राइक्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप ये ऑप्शन नहीं मारिएगा। क्योंकि अगर C2H6+Cl2 का रिएक्शन करवाते और ये दो ऑप्शन नहीं रहता, तब आप बोल देते कि इस केस में C2H5Cl बनेगा, मतलब मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ दो सेम कंडीशन दिया हुआ है, बेस्ट सुटेबल मेथड, तो बेस्ट रिएक्शन कंडीशन तो ए ही है, यहाँ पे पता ही नहीं है कौन एक्सेस में है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर ऑफ ए ब्रोमो कंपाउंड C5H9 बी आर फॉर्मड बाय द एडिशन ऑफ एच बी आर टू टू पेंटाइन रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको टू पेंटाइन का रिएक्शन करवाना है एच बी आर से और बताना है कि टोटल कितना स्ट्रक्चरल और कॉन्फ़िगरेशनल मतलब स्टीरियो आइसोमर, तो कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होगा और कितना स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होगा ये बताना है। तो सबसे पहले टू पेंटाइन CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर CH2 और CH3। अब इसे C5H9Br मतलब एक ब्रोमीन लग रहा है एक हाइड्रोजन लग रहा है मतलब एक ही बॉन्ड हटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनने का दो पॉसिबिलिटी है कि एक बार H यहाँ लगे Br यहाँ लगे, सिमिलरली यहाँ H और यहाँ Br, तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H यहाँ Br, उसके बाद फिर इथाइल C2H5 लिख दीजिए और दूसरा में रिवर्स कर दीजिए, जहाँ Br है वहाँ H और जहाँ H है वहाँ Br, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए थे तो यहाँ Br लगा दीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ से H और ये C2H5। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो दो होगा, दो ऑप्शन में है बी और डी में, मतलब ये दोनों रिजेक्टेड। उसके बाद अब देखना स्टीरियो आइसोमर, तो ये जी आइसो कर रहा है क्या, हाँ, तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस कारण से तो ये जी आइसो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप CH3Br, यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप इथाइल और हाइड्रोजन, तो ये भी जी आइसो करेगा, तो टोटल टू और ये भी टू, तो टोटल चार स्टीरियो आइसोमर होगा, तो ऑप्शन बी। इसके बाद फिर नेक्स्ट, क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH गिव्स। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देखिए, लाइट और हीट है मतलब रेडिकल बनेगा क्लोरीन का, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा इस केस में। ये जो हम सिक्स क्वेश्चन बताए थे कि अगर यहाँ लाइट रहता तो PHCH2Cl मतलब मोनोक्लोरिनेशन डाइक्लोरिनेशन या ट्राइक्लोरिनेशन हो सकता है। तो इस केस में आपका बेंजीन से कार्बन तीन हाइड्रोजन रहता है तो तीन Cl3 लगा दीजिए। लाइट और हीट तीन क्लोरीन क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आप एक क्लोरीन लगाइएगा बेंजाइल क्लोराइड तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन आप अभी नहीं पढ़े हैं एक्चुअली में, ये पढ़िएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ORM3 में, एलिमिनेशन नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो Cl के जगह OH लग जाता है तो CH2OH बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, एक्चुअली में बनेगा बेंजोइक एसिड। तो इससे साफ पता चलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ तीन क्लोरीन है तो तीन बार OH- अटैक करेगा और तीनों क्लोरीन बाहर हो जाएगा, तो ट्राइक्लोरिनेशन इसलिए होगा। तो यहाँ Cl रहेगा दो और, तो दो और OH लग जाएगा, और ये बात तो पता है कि कार्बन से दो OH अनस्टेबल, तो इस तरह से -H2O होगा, तो C डबल बॉन्ड दो OH में से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और एक OH एज इट इज रहेगा, तो बेंजीन से COOH बनेगा, इस तरह से बेंजोइक एसिड बन जाएगा, आंसर डी होगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं, बेंजाइलिक अल्कोहल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑर्थो क्रिसोल है, पारा क्रिसोल है, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी टोलुइन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा ये तीन ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्रिसोल का क्या होता है, बेंजीन से CH3 और OH अटैच है, ऑर्थो क्रिसोल मतलब एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पे CH3OH है, तो यहाँ OH कब लगेगा, जब यहाँ Cl रहे, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा है, उसके लिए लेविस एसिड का होना जरूरी था, लाइट और हीट में तो नहीं होगा, लाइट में रेडिकल बनेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कर सकता है। और दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर भी लिया तो ये क्लोरीन जो है ये कंजुगेशन में रहता है बेंजीन के साथ, तो कंजुगेशन में रहने के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, तो ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं करता है, वो ORM3 के टाइम आप लोग पढ़िएगा, NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो OH- अटैक करे और Cl- बाहर, ये बॉन्ड डिफिकल्टी से ब्रेक हो पाता है तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो दो दो पॉसिबिलिटी के कारण नहीं हो रहा है, फर्स्ट तो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करेगा, तो ऑर्थो क्रिसोल पैरा क्रिसोल भी नहीं होगा, क्योंकि पारा में तो बस यहाँ पे OH लग जाएगा और क्या, तो यहाँ पे क्लोरीन का लगना जरूरी है, उसके लिए भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट 2,4 डाइहाइड्रोक्सी मतलब सेकंड पे भी क्लोरीन लग जाए और फोर पे भी क्लोरीन लगे, तभी तो सेकंड और फोर पे NaOH के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन के जगह OH लगेगा, तो ये भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं होगा,
और यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो भी जाता है तो उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन कंजुगेशन में रहेगा बेंजीन रिंग से। ये आप डिटेल में पढ़िएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ORM3 में, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनने के लिए यहाँ ट्राइक्लोरिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में अगर बेंजाइलिक अल्कोहल रहता तो आप सोच सकते थे कि मोनोक्लोरिनेशन करवाए, इसीलिए इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप खुद से भी इलिमिनेट कर लें कि ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि होगा नहीं, तो यही बच जाता है। तो ट्राइक्लोरिनेशन होगा, उसके बाद OH- से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से 3 OH लग जाएगा, एक कार्बन से 3 OH, और -H2 होगा तो सी डबल बॉन्ड O बन जाएगा 2 OH से, और 1 OH तो COOH बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके पास 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरोबेंजीन फर्स्ट, तो बेंजीन से क्लोरीन अटैच है, सेकेंड आपके पास बेंजीन है, उसके बाद एनिलिनियम क्लोराइड, बेंजीन से NH3+ एनिलिनियम आयन होगा और एनिलिनियम क्लोराइड है तो इससे Cl- अट्रैक्शन में रहेगा, तो ये आपका एनिलिनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद टोलुइन, बेंजीन से CH3। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए एक्टिव हेटिंग ग्रुप होना चाहिए, क्लोरीन -I लगाता है, ये तो न्यूट्रल है, अगर कोई अस्टेबल नहीं कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है तो डिक्रीज भी नहीं कर रहा। NH3+ -I लगाता है और स्ट्रॉन्ग -I लगाता है, क्लोरीन से ज्यादा -I होता है, इसका मतलब इससे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देगा, फर्स्ट से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड में होगा। इसके बाद टोलुइन, तो CH3+I लगाएगा तो +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इस केस में इंक्रीज हो रहा है, बाकी दो डिक्रीज हो रहा है, इसमें ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोलुइन के केस में होगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है +I से। तो फोर्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ सबसे ज्यादा सी। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं फोर्थ, उसके बाद फिर सेकेंड होगा क्योंकि बाकी ये दोनों तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये कम से कम न्यूट्रल तो है, अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है कोई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो फोर्थ के बाद सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो कम रिएक्टिव रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्लोरीन के कंपेरिजन में, क्लोरीन उतना ज्यादा नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनिलिनियम क्लोराइड से ज्यादा रहेगा इस केस में, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो फर्स्ट ज्यादा होगा थर्ड से। तो ऑप्शन तो दिया हुआ, ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में फोर सबसे ज्यादा दिया हुआ है और बस इसी केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, बाकी में या तो न्यूट्रल है या डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो फोर्थ ही होगा, ज्यादा कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट यहीं से। इसके बाद नेक्स्ट है द चीप रिएक्शन प्रोडक्ट और रिएक्शन बिटवीन नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्रोमिनेशन एट 130 डिग्री सेल्सियस। तो आपको चीप रिएक्शन प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट बताना है, नॉर्मल ब्यूटेन का रिएक्शन यदि ब्रोमिन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसका रिएक्शन करवाते हैं Br2 से एट 130 डिग्री सेल्सियस, तो हीट है 130 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रेडिकल बन जाएगा हीट के प्रेजेंस में, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो कहाँ पे Br लगेगा, एक पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाए और Br लग जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटे और Br लग जाए तो यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब रेडिकल बनेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, और 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो यहाँ पे जो Br लगेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये सेकेंड कार्बन से Br जो लग रहा है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चीप प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट, ये भी बनेगा लेकिन ये माइनर रहेगा। इसके बाद इस केस में दो दो ब्रोमीन लगा दिया है तो ये थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ +2-chloro-2-phenylethane इन टोलुइन रेसमाइजेज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आपके पास 2-chloro-2-phenylethane है
दो कार्बन है इथेन, और सेकेंड से क्लोरीन अटैच्ड है और सेकेंड से ही फिनाइल अटैच्ड है। इसका रेसमाइजेशन हो जाता है, इसमें आप SbCl5 मिला है तो ये लेविस एसिड होता है, तो लेविस एसिड होता है तो ये Cl- एक्सेप्ट करेगा, Cl- एक्सेप्ट करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा पीएच, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ तीन हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा तो CH3CH+, और कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है इस कार्बन का, तो प्लेनर है, तो जो Cl- अब लगेगा फर्दर तो दोनों साइड से अटैच हो सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो बोथ साइड से अटैच होने के कारण इस केस में दोनों कन्फिग्रेशन होगा, जबकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो सिर्फ एक कन्फिग्रेशन है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला कंपाउंड है, 2-chloro-2-phenylethane। जब SbCl5 के साथ रिएक्शन करेगा उसके बाद जब Cl लगेगा तो कार्बोकेटायन बन गया, इसके कारण से दोनों तरफ से लग सकता है, इसलिए डी कार्बोकेटायन बनेगा इस केस में। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक एडिशन टू अल्किन्स विकाउट। तो परोक्साइड के प्रेजेंस में HCl और HI एंटी मार्कोनिक एडिशन नहीं देता है, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिक एडिशन देता है, तो ऐसा क्यों? तो एक्चुअली में आपके पास HX है और R2O2, तो R2O2 जो है वो पहले RO रेडिकल बनाता है, अब ये RO रेडिकल HX के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल ROH प्लस X रेडिकल बनाता है, ये स्टेप वन मान लीजिए आप। इसके बाद X रेडिकल R C डबल बोन CH2, यहाँ से हाइड्रोजन अल्किन से रिएक्शन करेगा तो X रेडिकल कहाँ पे लगेगा, तो X रेडिकल जब अटैच होगा तो ये डबल बोन के कारण रेडिकल बनेगा, तो रेडिकल बनेगा तो स्टेबल रेडिकल बनना चाहिए, तो यहाँ पे बनेगा तो 1° रेडिकल, यहाँ पे बनेगा तो 2° रेडिकल, तो यहाँ पे स्टेबल बनेगा तो आपका R CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से X अटैच हो ताकि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ रेडिकल बन जाए तो ये आपका स्टेबल रेडिकल बनेगा, लेकिन लेस स्टेबल वाला भी तो माइनर तो बन जाएगा, मतलब यहाँ से X अटैच हो और यहाँ से CH2 ये रेडिकल, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब सेकेंड स्टेप में ये रेडिकल HX के साथ रिएक्शन करके H अटैच कर लेगा तो यहाँ से H लग जाएगा, फिर फर्दर X रेडिकल बन जाएगा, तो X रेडिकल फर्दर रिएक्शन करेगा, तो इस तरह से चैन रिएक्शन होते रहता है, तो ये आपका R CH2 CH2X बनेगा। सिमिलरली ये H लेके R CHX और CH3 बनाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये सिर्फ HBr के केस में होगा। यदि HCl और HBr रहेगा तो HCl के केस में ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है X रेडिकल का बनना, ये इंडोथर्मिक होता है HCl के केस में, और कार्बन रेडिकल का बनना ये एक्सोथर्मिक होता है, जबकि HI के केस में फर्स्ट स्टेप X रेडिकल वाला एक्सोथर्मिक और सेकेंड स्टेप इंडोथर्मिक। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको आप चाहे तो ध्यान भी रख सकते हैं, मतलब एक स्टेप में एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता, एंटी मार्कोनिक एडिशन नहीं होगा। तो वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, तो दोनों केस में HCl और HI दोनों में एक स्टेप इंडोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन होने के लिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, जबकि HBr में दोनों एक्सोथर्मिक होता है तो एंटी मार्कोनिक एडिशन फिजिबल रहता है, मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक से ही बनता है। इसके बाद अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।